और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी इसी बीच मिल रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है। ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, हमारे 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान तैयार हैं, ये कहना है राकेश टिकैत का। किसानों का आंदोलन और ज्यादा तेज होगा, साफ तौर पर यह इशारा यहां पर किया गया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बाद ही बॉर्डर को छोड़ेंगे, ये कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। तो आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है, किसान किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने इस बयान से ये साफ कर दिया है कि किसान उनके साथ हैं और वो इस आंदोलन को किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। ज्ञापन देने से रोक, क्या अगर उन्हें अरेस्ट कराया तो जेल भेजो, पक्के जेल जाएंगे। छुटाने का कोई आंदोलन नहीं होगा, जो पकड़ा जाएगा वो पक्की जेल होगी, उसकी पक्की जेल जाएंगे, उनको जेल भेजेंगे, उसके बाद में फिर मूवमेंट शुरू करेंगे। क्या करना हमको, मतलब कानूनी कोई रास्ता ना, ना। यह तो बात होगी, या उनको जेल भेज दो, पकड़ रखे पुलिस कस्टडी में, जेल भेज दो, हमें छुटाने आई नहीं उनको। और जो मीटिंग में निर्णय हुआ है कि आंदोलन को और तेज करेंगे, पूरे देश और पूरे प्रदेश में जाएंगे, 2 यात्राओं का और निर्णय लिया गया है। एक यात्रा 9 जुलाई को चलेगी, शामली और बागपत के लोग उसमें रहेंगे, ट्रैक्टर यात्रा ही रहेगी, वो सिंघू बॉर्डर पर जाएगी, नोक चल के वो 10 तारीख में वहां पहुंचेगी। दूसरी यात्रा 24 जुलाई को चलेगी, उसमें बिजनौर और मेरठ के लोग रहेंगे, वो 24 तारीख को चलेगी, 24 की रात को वह मेरठ में रुकेगी टोल के ऊपर, और वहां से 25 में वो यात्रा यहां पाएगी। जैसे ये यात्रा आई, 2 यात्रा का 1 महीने का पूरा प्रोग्राम है, हम पूरे प्रदेश में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, मंडल वाइज मीटिंगें करेंगे, और पूरा सरकार अगर बात नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे। यही तय है कि यात्रा की तैयारी करो, बगैर ट्रैक्टर के ना दिल्ली बांधती, आप ट्रैक्टर को कौन रोकेगा, ट्रैक्टर को दिल्ली में चलेंगे, ट्रैक्टर को रिहर्सल चल रहा है अभी, हाँ रिहर्सल चल रहा है, जिस दिन आएगा तैयारी के साथ तो आएंगे पूरी। अभी आपने कोई डेट, अभी नहीं डेट नहीं फिक्स करी, अभी थोड़ा सा मौसम हो जान दो करे ठीक सा, लड़ाई कहाँ होगी, उसका स्थान कौन सा होगा, वो टाइम कौन सा होगा, जगह कौन सी होगी, सब तय होके और बड़ी क्रांति होगी देश में। पार्लियामेंट तो किसानों का अस्पताल है, वहाँ हमारा इलाज होगा, पार्लियामेंट बड़ा हॉस्पिटल है पार्लियामेंट का, अभी पता चला के किसानों का इलाज एम्स से भी बढ़िया पार्लियामेंट में होता है, तो वहाँ इलाज करवाएंगे हम अपना। तो ये माना जाए कि अगर दिल्ली जाएंगे तो पार्लियामेंट जाएंगे, दिल्ली जाएंगे पार्लियामेंट पे जाएंगे, जब भी दिल्ली जाएंगे, वो आज जाओ अगले साल जाओ कभी भी जाओ, भाई कहाँ जाना दिल्ली में, कहाँ जाना, कहीं से जाना, अब बताओ, जब जनता की आवाज है। 4 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, जब भी जाएंगे दिल्ली सावधान, ये 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये 25 लाख आदमी भी यही है।